यह जिहाद है जिहादियों, तुम लाख कोशिश कर लो हमारे देश के नौजवानों को गुमराह करने की, झुकाने की, मगर हर बार तुम नाकाम रहोगे। और सर यही हुआ, हमारे देश के वीर नौजवानों ने ऐसे काम कर दिखाया जो सचमुच कमाल हो गया। तो इसमें थोड़ा सा टारगेट जो किए हमारे हिंदुस्तान के जितने भी ह्यूमन तस्करी करते हैं, जितने भी लड़कियां उनको किडनैप करते हैं, उनके साथ सबसे पहले जो है कि देह व्यापार करते हैं, गिरदा कुकी सारी चीज़ों को निकाल कर बेचते हैं। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त आप बदले का भारत देख रहे हैं। आजमगढ़ के शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग हो रही है और उस इंटायर यूनिट को मैंने यहाँ पे खड़ा करवाया हुआ है एक सर्कल में, हाफ सर्कल में, ताकि मैं सबसे बारी बारी से बात कर सकूँ और ये जानने समझने की कोशिश कर सकूँ कि आखिर किस तरह की ये फिल्म है जिसे सर्वेश जी डायरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह की ये फिल्म है, इसके जो किरदार हैं, आज किस तरह की शूटिंग हुई है और कब तक ये फिल्म बन के तैयार हो जाएगी और कब तक दर्शकों को देखने के लिए उपलब्ध होगी, इन्हीं सब बातों पे चर्चा परिचर्चा करेंगे। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बातचीत करने से पहले, मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि एक बार कैमरा इस तरफ घुमाएँ। हमारे देश का जो वीर सैनिक होता है वो दाहिनी तरफ हमारे खड़ा है, साथ में जिनसे इनकी झड़पें होती है वो भी खड़े हैं, यानी कि आतंकवादी भी खड़े हैं और नेताजी भी खड़े हैं। बहरहाल देर ना करते हुए सीधा सर्वेश जी के पास, बताइए साहब क्या नाम है फिल्म का और आज आप यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं और कब तक रिलीज वगैरह का प्लानिंग है? सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आपने मौका दिया। सर ये फिल्म सर लगभग हम 3 से 4 रोज से शूटिंग कर रहे हैं और जो इसकी रिलीजिंग की प्लानिंग है, जो हमारे 15 अगस्त का जो आज़ादी का जो दिन है, हम उस पर इसको रिलीज़ करेंगे। इसी 15 अगस्त पर हम रिलीज करेंगे और ये जिहाद पे फिल्म है। इसमें जो है कि जिहादी लोग जो है कि कई तरीके से मिशन को अपने टारगेट करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा टारगेट जो किए हमारे हिंदुस्तान के जितने भी ह्यूमन तस्करी करते हैं, जितनी भी लड़कियाँ उनको किडनैप करते हैं, उनके साथ सबसे पहले जो है कि देह व्यापार करते हैं, गिरदा किडनी सारी चीज़ों को निकाल कर बेचते हैं। और इसमें जो जिहादी का सरगना होता है उसका टारगेट होता है कि अगर जो है कि इस तरीके से हम काम करते रहेंगे तो हम 15 अगस्त तक जो है हिंदुस्तान के सारे जो है कि नए लड़कियों को, नए लड़कों को उठाकर दूसरे देशों में ले जाकर हम इनको बेच देंगे। इसकी यही कहानी है। तो इसको रोकने के लिए पहले तो हमारा जो है कि शासन प्रशासन पुलिस बल लगता है, लेकिन पुलिस बल जो है कि इस मिशन को लेके नाकाम रहता है। तो फिर जो मंत्री जी होते हैं उनसे मीटिंग होती है इस सिलसिले में, तो मंत्री जी एक आध बार संकोच करते हैं कि क्या इस केस में आर्मी को इन्वॉल्व करना अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो सारे अधिकारी इसको जो CIB से लेकर तमाम अधिकारी इनको जो मीटिंग में कहते हैं, नहीं सर, जो हमारे देश की स्थितियाँ इस समय चल रही हैं इसलिए इसमें आर्मी को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। और जिहादी सर इसमें जो विशेषकर खासकर कहाँ टारगेट करते हैं, जहाँ हमारे देश में अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, जहाँ शिक्षा का अभाव है, जहाँ लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जिहादी अपने कई रूपों में आते हैं ना, कई रूपों में टारगेट करते हैं, कई रूप चेंज करके टारगेट करते हैं और वहीं टारगेट करते हैं जहाँ लोग पढ़े लिखे कम हैं। तो इसमें इस मिशन में यही कहानी इसकी है। तो सारे विभाग इसमें लगते हैं और एक दिन अंत में क्या होता है कि जो है कि जिहादियों की हार होती है और देश की आर्मी की विजय होती है। इसमें सर कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान के हर एक नागरिक से चाहेंगे कि इस फिल्म को ज़रूर एक बार देखें, जिस तरीके से सारी फिल्मों को देश में बनी, देश के हित में बनी देखें, इस फिल्म को एक बार जरूर देखें सर। फिल्म का नाम भी बता दीजिए। द मास्टर मिशन है सर इस फिल्म का नाम। द मास्टर मिशन है ना, तो इस फिल्म का नाम है द मास्टर मिशन है। और आपने अब तक देशभक्ति की बहुत सारी JP दत्ता साहब की फिल्में देखी होंगी, आपने एक से बढ़कर एक, LOC वगैरह से लेकर बॉर्डर तक जिसके गाने राजेश भाई, आज भी राजेश भैया हैं, पुराने कलाकार हैं, आपको जैसे ही तस्वीरों में आपने इनको देखा होगा पहचान गए होंगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे सर्वे सर के साथ इस शूटिंग में आया और शूटिंग में किरदार का छोटा सा रोल था और एक ऑफिसर का रोल किया मैंने। अच्छा। और अच्छा लगा, अच्छा ये देश हित में अच्छा लगा और मीडिया के लोगों के द्वारा ये संदेश जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके लिए आप काफी वरिष्ठ कलाकार हैं, काफी अरसे से काम कर रहे हैं, नए कलाकारों में जो ऊर्जा है उसे देखकर कैसा लग रहा है? हाँ, नए कलाकारों में ऊर्जा है,
और अच्छा है। ये आजमगढ़ के लिए ही नहीं बल्कि अपने देश के लिए बहुत बड़ी बात है। और सर्वेश जी ऐसे डायरेक्टर लोग हैं तो अपने आजमगढ़ के ज़िले के नौजवान कलाकारों को, वरिष्ठ कलाकारों को मौका मिलेगा। और आप जैसे मीडिया के लोग हैं तो अकरम सर के जरिए इस देश को एक नई दिशा मिलेगी। चलिए शुक्रिया आपका। आपका परिचय हो जाए सर। सर सर्वेश्वर पटेल वाला मैं, कैमरा मैन हूँ सर सर्वेश्वर के साथ में। अच्छा, कैमरा मैन है सर्वेश्वर के साथ में। तो कितनी फिल्मों में आपने कैमरे? सर मैं ये नहीं बता सकता हूँ, किया हूँ पिछले काफ़ी में, लेकिन ये नहीं बताऊँगा कितना किया हूँ सर। बताएंगे कहाँ के रहने वाले ये सर? आजमगढ़ के। आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आपका परिचय? मेरा नाम ब्रजेश विश्वकर्मा है। अच्छा, इस फिल्म से किस तरह से जुड़े हैं? मैं इस फिल्म से सभी लोगों के माध्यम से और सर के माध्यम से जुड़ा हूं। अच्छा। और बहुत अच्छा लगा। अच्छा। कि जो इस फिल्म को बनाई जा रही है तो अपने देश के लिए ये फिल्म बहुत अच्छा आएगा, लोग देखेंगे भी तो और बढ़िया लगेगा। थैंक यू सो मच। चलिए, आपका शुभ नाम? देवाशीष पांडे मेरा शुभ नाम है। देवाशीष पांडे, कहाँ के रहने वाले? मैं यही बगल के गांव का रहने वाला हूँ, नीबी बुजुर्ग का। अच्छा जी। तो क्या किरदार है इसमें आपको? ड्रेस में है पुलिस के? जी, पुलिस के ड्रेस में है। और मैं इस देशवासियों से और अपने सैनिकों से ही कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म के द्वारा, इस फिल्म के माध्यम से बताया गया है कि देश की रक्षा कैसे करनी चाहिए और इस भारत की मिट्टी को हमेशा सुरक्षित रखने का कार्य करें, यही बताया गया है जी। अच्छा, प्रदीप जी, प्रदीप मिश्रा, और लंबे बाल आपके, मैं चाहूँगा खोल दें बाल तो अच्छा ही है क्योंकि खुले बाल में ही आप अच्छे लगते हैं, है ना? तो मुझे ये बताएं कि आप नेता के गेटअप में हैं, नेता अच्छा है या बुरा? सर, आज के समय के जो पॉलिटिक्स, तो आप अच्छे नेता बने हैं कि बुरा? सर, इस फिल्म में हमारा बहुत ही पॉजिटिव रोल है। अच्छा, पॉजिटिव है? जी सर। अच्छा, तो हमें रक्षा मंत्री का रोल दिया गया सर्वेश चौहान जी, हमारे डॉक्टर साहब ने। अच्छा, रक्षा मंत्री बने आप? जी सर। देखिए कितनी कमाल की बात है ना, कि शायद ना वहाँ तक पहुँचने में बड़ी मुश्किल थी लेकिन ये यहीं मिल गए हमें। रक्षा मंत्री साहब, बताइए तो क्या विपत्ति आन पड़ी है और देश के लोगों को कैसे आशान्वित कर रहे हैं कि हम सब, सभी भारतीय सुरक्षित हैं? सर, हमारा बस ये काम है कि हमारे देश के जो वीर नौजवान हैं, ये चाहे आर्मी वाले लोग हों या आप जैसे लोग हों, जी, तो इन लोगों की मदद से इस मिशन को हम लोग अंजाम दिया गया है। हम लोग कुछ कर नहीं सकते, बस इन लोगों में एक जोश भर सकते हैं कि ए जिहादियों, तुम लाख कोशिश कर लो हमारे देश के नौजवानों को गुमराह करने की, झुकाने की, मगर हर बार तुम नाकाम रहोगे। और सर, यही हुआ, हमारे देश के वीर नौजवानों ने, ऐसे नौजवानों ने ऐसे काम कर दिखाया जो सचमुच कमाल हो गया। और 15 अगस्त के दिन, आज़ादी के दिन, हम सब लोग देखेंगे इस मास्टर मिशन के माध्यम से कि सचमुच चौहान जी ने क्या कमाल कर दिखाते। खड़ा करने में लोगों को थोड़ी सी गलती हो गई, मैं जाऊंगा आप इधर आ जाएं, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, इसलिए मैंने थोड़े से मजे लिए थे शुरुआत में। बहरहाल अब सब सही है, है ना, आप बुरा नहीं मानिएगा, आपके पास ही आ रहे हैं, थोड़ा सा बदल दिया। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनिल सागर है और मैं सिंगर एज एक्टर। अच्छा, तो अभी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव, और देश, पूरा देश इसे सेलिब्रेट कर रहा है, है ना, प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया। और ऐसी दशा में एक फिल्म में अगर किरदार मिले, वो भी फौजी का, तो ये कितना बड़ा मानते हैं अपने लिए? हम तो अपने लिए बहुत ही बड़ा अहम भूमिका इसको मानेंगे क्योंकि जो ये हमें रोल मिला है, और मेरे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है कि ये लोग पाते नहीं और मुझे ऐसा रोल दिया गया है। सर्वेश सर ने बहुत ही मज़ा आ रहा है इनके साथ काम करने में, जितने भी हमारे आर्टिस्ट कलाकार हैं लोग काफ़ी साथ में मज़ा दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, सीखने का मिल रहा है, काम करने का मौका। सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मैं प्रमोद सिंह टाइगर, मोहम्मदाबाद गोहना से। क्या बात है, देखिए खाली गेटअप का फर्क है, है ना, थप्पा नहीं लगा, गेटअप का फर्क है ना, यही बात है ना? जी जी, मशहूर कलाकार आमिर खान साहब ने कहा ठप्पा कहाँ है दिखाओ, और जब दाढ़ी और इस तरह के गेटअप से आवाज़ आए, नमस्कार। नाम क्या बताया आपने? प्रमोद सिंह टाइगर। प्रमोद सिंह टाइगर, तो आप खुद ही सोचिए कि किस हद तक ये अभिनेता तैयारी करते हैं, अपने रंग को बदलते हैं, रूप को बदलते हैं, और इतनी तैयारियों के बाद कई बार शूटिंग में, सैकड़ों बार मैंने तो देखा, दर्जनों बार तो मैंने देखा है, सैकड़ों बार लोग कहते हैं अमूमन बोलचाल में, रिटेक होता है, है ना, पूरा बंदा इरिटेट हो जाता है लेकिन फिर भी उस काम को करना है। तो इस फिल्म में आपका किरदार? मेरा सर किरदार इसमें जिहादी का है, और मैं अपने जिहाद को, भारत को विनाश की तरफ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन भारत के फौजी
अपने देश को बचाने के लिए हमारे मंसूबों को पानी फेर देते हैं। अच्छा, जिहाद का एक, जैसे आप लोग बार बार जिहाद या जिहादी, नेताजी ने भी डायलॉग बोला, जिहाद का सही मतलब या मायने कुछ पता है किसी को? अब जैसे सुना जाता है कि आतंकवादी हैं जैसे पाकिस्तान के, और वहाँ से भेजकर आदमियों को यहाँ पर तैयार करते हैं आदमियों को जिहाद के नाम पर कि हमारे धर्म की तरफ चलो, और भारत में ले आकर उन लोगों को कहीं भी बम गिरवा देना, लोगों को मरवा देना, जितना मरवाएंगे उतना ही उनका जिहाद ऊंचा जाएगा, ऐसा बताते हैं लोग। 15 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है, जी, तो क्या कहेंगे दर्शकों से आप लोग? मैं चाहूँगा कि दर्शकों को, सभी से लोगों से हाथ जोड़ के बोलूँगा कि सभी लोग 15 अगस्त को इस मास्टर मिशन को देखें, और जैसा भी लगे हम लोगों को आशीर्वाद दें कि और आगे इससे अच्छा बनाएं हम लोग, अगला नेक्स्ट टाइम में फिर बनाएंगे 15 अगस्त के लिए। शुभकामनाएं आपको। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम पंकज मदेसिया है। सर इस फिल्म में मैं हवलदार का किरदार निभा रहा हूँ। हवलदार बने? जी सर। अच्छा, आप क्या बने? हाँ सर, मेरा नाम घनश्याम है। आप भी जुड़े हैं फिल्म से? हाँ, फिल्म नहीं, हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर। अच्छा, ये जो गाड़ियाँ पीछे आप देख रहे हैं ये घनश्याम भाई लाते ले जाते हैं, यानी इनके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ सरोज भाई, इनके बगैर काम नहीं चलेगा। द मास्टर मिशन फिल्म का नाम है, हमने इंटायर यूनिट से बात करी है और उन्होंने बताया कि जीतोड़ हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह से 15 तारीख को, यानी कि 15 अगस्त को, और इसी वाले 15 अगस्त को ये फिल्म रिलीज कर दें। डायरेक्टर से लेकर जो तमाम अभिनेता इस फिल्म से जुड़े हैं उनका वायदा है कि वो जो है इस फिल्म को लेकर बड़े ही आशान्वित हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है, भरोसा है कि उनकी ये मेहनत कामयाब होगी, दर्शक उसे ज़रूर सराहेंगे और सराहना भी चाहिए क्योंकि आजमगढ़ की माटी के लाल मेहनत कर रहे हैं, अपनी कला का, अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत ही सीमित संसाधनों में कुछ बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो हमें भी इनका पूरा सहयोग, सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि जब इनकी फिल्म रिलीज हो 15 तारीख को, जब पर्दे पर आए तो हमें भी जाकर पर्दे पर ये फिल्म को देखना चाहिए और इनकी मेहनत को सराहना चाहिए ताकि ये भी आगे बढ़ते रहें। अपनी बात ख़त्म करने से पहले इस फिल्म में जो एक शब्द आया है बार बार जिहाद का, उसको मैं बताना चाहता हूँ, एक मिनट में मैं बताना चाहता हूँ। जिहाद का मायने मतलब जो है वो दूसरा है, वो कतई जिहाद का मतलब नहीं है किसी को मार काट दो, लेकिन ये अलग बात है कि जिस तरह का गेटअप टाइगर जी ने बनाया, उस गेटअप में आके कुछ लोग इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, हमारे देश को, लोगों को मारने की, हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से मिश्रा जी आ जाइए, जिस तरह से आपने पूरा दम साध करके कहा कि हमारे देश को, हमारे देश के जवानों के मनोबल को तुम तोड़ नहीं पाओगे चाहे तुम कितनी भी कोशिशें कर लो, उसी तरह का जज्बा हर एक हिंदुस्तानी रखता है कि हर हिंदुस्तानी तुमको तोड़ देगा, फोड़ देगा, किसी लायक भी नहीं छोड़ेगा तुमको अगर तुमने हमारे देश की तरफ आँख भी उठा कर देखा। हमसे बातचीत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अभी से हमारी शुभकामनाएं आप सभी को। जय हिंद।